गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी रीडर, जिसमें हमने 7 पार्ट की रीडिंग करी हुई है, पार्ट मोर का घमंड। तो आज हम उसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो हमारे सबसे पहले आते हैं शब्दार्थ। शब्दार्थ में देखिए सबसे पहले खास। खास मीन्स होता है विशेष, सबसे अलग। खास को क्या कहते हैं? विशेष, सबसे अलग। अन्य, दूसरे। आनंद, मजा। हामी, हाँ। एकत्रित, इकट्ठे। प्राणी, जीव। हीन, घटिया। तारीफ, प्रशंसा। तुरंत, उसी समय। मधुर, मीठी। प्रत्येक, हरेक। सम्मान, इज्जत। तो ये हमारे क्या हैं? सभी शब्दार्थ हैं। तो आप इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट करेंगे। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर। दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मोर को किसका घमंड था? मोर को अपनी सुंदरता का घमंड था। तो मोर को किसका घमंड था? मोर को अपनी सुंदरता का घमंड था। वर्षा होने पर मोर क्या करता? वर्षा होने पर मोर झूम झूम कर नाचता। वर्षा होने पर मोर क्या करता? वर्षा होने पर मोर झूम झूम कर नाचता। वन के अन्य प्राणी पशु पक्षी क्यों परेशान थे? मोर के घमंडी व्यवहार के कारण, वन के अन्य पशु पक्षी परेशान थे। मोर ने हामी क्यों भरी? क्योंकि मोर पूरे घमंड से भरा हुआ था और नाचने गाने में ज्यादा आनंद लेना चाहता था। मोर ने हामी क्यों भरी? क्योंकि मोर पूरे घमंड में भरा हुआ था और नाचने गाने में ज्यादा आनंद लेना चाहता था। अब आते हैं हमारे संक्षिप्त क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कोयल ने मोर से क्या कहा? कोयल ने मोर से कहा, क्यों ने हम मिलकर एक गाना गाएं? कोयल ने मोर से कहा, क्यों ने हम मिलकर एक गाना गाएं? मोर अपनी आवाज पर कब शर्मिंदा हुआ? जब मोर ने कोयल की मधुर आवाज सुनी, तब मोर अपनी आवाज पर शर्मिंदा हुआ। अंत में मोर को क्या समझ आया? अंत में मोर को समझ आ गया कि प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। अंत में मोर को समझ आ गया कि प्रत्येक प्राणी में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुण का घमंड नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने किसी भी गुण का घमंड नहीं करना चाहिए। तो ये तो है हमारे प्रश्न उत्तर। अब आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। नीचे दी गई घटनाओं का सही क्रम में लिखें। यहाँ पर आपको कुछ लाइनें दी हुई हैं, इनको क्या करना है? हमें सही क्रम में यानी कि नंबर डाल के इनको, जैसे कि हमारी पहली लाइन कौन सी है? एक जंगल में एक मोर रहता था। दूसरी लाइन है, उस मोर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। तीसरी है, शाम को जंगल में वर्षा हुई। चौथी है, उसे लगा कि उसकी आवाज़ कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। पांचवी, तब मोर अपनी आवाज़ पर शर्मिंदा हुआ। छठी, प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। तो इस तरीका से आपको ये सभी सही क्रम में लिखनी है। अब आते हैं हमारे सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाएं। मोर अपने पंखों को क्या मानता था? सुंदर। मोर और कोयल मिलकर क्या गाने लगे? गाना। किसने सबको अलग अलग गुण दिए हैं? भगवान ने। तो ये हमारे क्या हैं? इस पुस्तक की अभ्यास पुस्तिका, जो कि आप अपनी बुक में फिल करोगे और क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर बुक कॉपी में करोगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।